हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल फंकीनेस विद भावना। आज की वीडियो कुछ रिक्वेस्टेड वीडियो है और कुछ मुझे पता है कि आप लोग हमेशा वेट करते हो इस टाइप की वीडियो की। आपने टाइटल देख ही लिया होगा कि मैं स्टाइल करने वाली हूँ जंक ज्वेलरी को विद अ लॉट ऑफ विंटर क्लोथ्स। बेसिकली क्या होता है कि जैसे ही विंटर आता है ना, तो हम अपना जंक ज्वेलरी सेक्शन को अंदर होर्ड करने शुरू हो जाते हैं और कहीं पे शेल्फ में अंदर छुपा देते हैं। तो ऐसा करने की जगह हमें अपनी जंक ज्वेलरी को मल्टीपल वेज में यूज़ करना आना चाहिए। सिर्फ समर में क्यों, हर टाइप के वेदर में को यूज़ करना आना चाहिए, लेकिन विंटर स्पेशली ऐसा टाइप का वेदर है जिसमें लोग अवॉइड करते हैं सिल्वर ज्वेलरी, जंक ज्वेलरी या कोई भी टाइप की ज्वेलरी पहनने के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि इस चीज़ को मैं इनकरेज करूँ, मोटिवेट करूँ आप लोगों को और थोड़ा सा स्टाइलिंग आइडियाज़ दूँ। तो मेरे पास कुछ बहुत ही अमेजिंग स्टेपल पीसेज हैं जिनको अगर आपको ख़रीदना भी है तो आप मेरे पेज इंस्टाग्राम पेज पे फंकीनेस विद भावना पे जाके चेकआउट कर सकते हो। कई सारे मेरे पर्सनल कलेक्शन है और कई सारी जो मैं सेल भी करती हूँ। तो कुछ मैं आपको शो कर देती हूँ और उसके बाद हम शुरू करेंगे स्टाइलिंग वीडियो। तो जैसे कि ये मिरर वाला नेक पीस, लॉन्ग नेक पीस, फिर एक काफ़ी क्लोज कॉपी ऑफ अफगानी नेक पीस, बहुत ही अमेजिंग लगता है विद टैसल्स, बो लेड नेक पीस, कुछ ऐसी टाइप की यूनिक बैंगल्स, घुंघरू वाला चोकर, ये भी बोहो टाइप का नेक पीस है जो बहुत पहले से ट्रेंड करता आ रहा है। तो ऐसे कई सारे और ज्वेलरी पीसेस भी मैंने स्टाइल करे हैं जिनको मैंने अभी आपको शो नहीं करा है, वो आपको स्टाइलिंग वीडियो में देखने को मिलेगा। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आई एम श्योर यू गोइंग टू टेक अ लॉट फ्रॉम दिस वीडियो। हाय, सो द फर्स्ट आउटफिट इज़ अ येलो मस्टर्ड स्वेटर और उसको मैंने नॉट के साथ कर दिया, और उसके बाद मैंने उसके नीचे पहना है इंडिगो प्लाजो। उसके साथ मैं पहनूंगी काफ़ी सारी जंक ज्वेलरी जिसमें मैं पहन रही हूँ मिक्स ऑफ बैंगल्स। आप कोई भी मिक्स ऑफ बैंगल्स जो भी आपके पास पड़ी हैं आप उनको मिक्स करके एक साथ पहन सकते हो। फिर मैं पहन रही हूँ यहाँ पर बूट्स और हील्ड बूट्स हैं, तो उससे क्या होता है लेंथ ऐड हो जाती है क्योंकि प्लाजो से आप थोड़े शॉर्ट लग सकते हो। देन मैं पहन रही हूँ एक लॉन्ग अफगानी नेक पीस जिसमें कॉइन्स भी हैं, तो काफ़ी बोहो लुक आ जाती है, अफगानी एथनिक इंडियन लुक आ जाती है और आई लव दिस लुक अ लॉट। और ये लुक में मैं एक बैग भी ऐड करने वाली हूँ जिसमें बंजारा बैग है और इसमें एक आधी रिंग ऐड कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ये ऑप्शनल है। और इसके साथ मैं अफगानी ईयर रिंग्स भी पहनने वाली हूँ जो कि मैच करने वाले हैं विद द कलर्स ऑफ माई आउटफिट एंड माई ज्वेलरी। तो द होल कम्प्लीट लुक आप देख सकते हो ज्वेलरी के साथ एकदम से कैसे लुक एनहांस हो गई मेरी। और ज्वेलरी के साथ ऐसा भी नहीं लग रहा कि मैं सर्दियों की ड्रेसअप में नहीं हूँ, ऐसा ही लग रहा है जैसे कि ये विंटर आउटफिट है, बट इट्स काइंड ऑफ इन द मिडल। सो आई रियली लव दिस। अगर आपको ये पसंद आई है आउटफिट तो आप नीचे कमेंट डाउन जरूर करना। नेक्स्ट लेट्स कम टू माई फेवरेट आउटफिट। तो मैंने इसमें पहना एक चंकी ओवरसाइज स्वेटर और एक धोती पैंट्स फ्रॉम सरोजिनी नगर, और बूट्स सेम टाइप के पहने हैं और उसके साथ मैंने एंकलेट्स पहने हैं जो कि राजस्थानी टाइप की फील देते हैं। उसके साथ मैं पहन रही हूँ एक बड़ा सा चंकी बैंगल जो कि बहुत ही कूल लगता है, अगेन मुझे काफ़ी बोहो लुक देता है और राजस्थानी काइंड ऑफ फील भी देता है, और मैं राजस्थानी टाइप की टच से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहती हूँ। फिर मैंने बोहो नेक पीस पहन रही हूँ जो कि लेड है ऑलरेडी, इसके ऊपर आप डबल लेयरिंग भी कर सकते हो, बट हाँ तो मैं ये वाला रेड वाला लेयर कर रही हूँ जिसमें ग्रीन कुछ एलिमेंट्स भी थे और सिल्वर है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे ये आउटफिट। और मैंने स्लीव्स को थोड़ा सा ऊपर वो कर दिया है ताकि थोड़ी सी स्किन शो करने से जो है ना आप स्लिम लगते हो, अगर आप पूरा कवर कर दोगे तो ऐसे टाइप के आउटफिट में थोड़े से ज़्यादा फैट लग सकते हो। और बंजारा बैग, सेम बैग फ्रिंजेस हैं इसमें एंड इट काइंड ऑफ लुक्स रियली कूल। सो हाउ मच वुड यू रेट दिस आउटफिट? आई तो लव इट, आई थिंक दिस आउटफिट हैज टेकन माई हार्ट अवे। वोट फॉर योर फेवरेट आउटफिट। अभी तक जो भी आपने देखे और आगे जो देखोगे उसमें से फेवरेट आउटफिट बताओ अपना जो आपको भी अच्छा लगा है। इसमें मैंने पहना है एक प्लाजो जो कि मैंने सूर्यनगर से लिया था, ये गोल्डन प्लाजो है जिसमें गोल्डन कलर के मोटिव्स हैं। उसके ऊपर मैं पहनने वाली हूँ थोड़ा सा इलेबरेट काइंड ऑफ नेक पीस जो लॉन्ग मिरर वाले आजकल बहुत ट्रेंड कर रहे हैं, और इसके साथ आप दो लेयर भी पहन सकते हो, इसमें शीशे वाला चोकर वाला टाइप भी आया है, बट आई एम गोइंग टू कीप इट सिंपल बिकॉज ऑलरेडी बहुत कुछ हो रहा है विद द प्लाजो
प्लाजो फ्लेयर एंड उसके ऊपर से मैंने स्वेटर भी ऐसा पहना है जिसमें कोल्ड शोल्डर सॉर्ट ऑफ है, और इसके साथ मैंने बैंगल जो है वो भी काफ़ी एलैबोरेट पहना है, उसमें स्पाइक्स सॉर्ट ऑफ हैं एंड आई एम वेयरिंग अ मिरर रिंग ऑल्सो. सो काइंड ऑफ कीप इट सिंपल बट कीप इट एलैबोरेट ऑल्सो. सो आई एम वेयरिंग इयर रिंग्स ऑल्सो जो जिसमें मिरर टाइप के लुक है, और वो भी काफ़ी ट्रेंड कर रहे थे, और वो उसके साथ पूरे आउटफिट के साथ मेरे काफ़ी ज़्यादा टोन्स मैच कर रही हैं. अगर आपने मेरा उदयपुर वाला व्लॉग देखा है तो उसमें मैंने ये जैकेट खरीदी थी बंजारन वाली पिंक कलर की, जो कि काफ़ी कूल लग रही है. इसमें मैं मुगल वाली इयर रिंग्स पहन रही हूँ जिसमें झालर है जैसे कि उनकी कैप में होती थी, और उसके साथ मैं बड़ी सी रिंग पहन रही हूँ बहुत सारे घुंघरुओं वाली, और बहुत सारे घुंघरुओं वाली बैंगल भी पहन रही हूँ, उसमें मिरर भी है, तो वो कहीं ना कहीं आपस में कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को. और जो मैंने जैकेट पहनी है वो ग्रीन कलर के कंट्रास्ट में पहनी है, और इसके साथ मैं पहनूंगी एक चोकर क्योंकि मैंने हाई नेक पहना है, और इसके साथ भी मैंने सेम बूट्स पहने हैं. तो बेसिकली आप किसी भी चीज़ को रिपीट कर सकते हो एज अ मिनिमलिस्ट वार्डरोब. आप 10,000 चीज़ों को रिपीट करो, एक दूसरे के साथ मिक्स मैच करो, एंड योर आउटफिट इज गुड टू गो. चिकनकारी कुर्ते के साथ मैंने पहनी है एक बॉम्बर जैकेट और एक पेपर बैग जीन्स, और बहुत मतलब आप हील्स पहन सकते हो, बूट्स पहन सकते हो, इसमें जो भी आपको एप्ट लगे. और इसके साथ भी मैं एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा इजीली कर सकती हूँ क्योंकि वाइट एंड ब्लैक एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन है, विच मीन्स कि यू कैन गो विथ एनी काइंड ऑफ ज्वेलरी एंड एनी कलर ऑफ ज्वेलरी. इनफैक्ट कॉन्ट्रास्टिंग ज्वेलरी तो काफ़ी अच्छी लगेगी. फिर मैं इसके साथ एक रिंग पहनी है और एक चोकर पहनूंगी घुंघरू वाला. ये काफ़ी प्रिटी काइंड ऑफ चोकर है. आई लव दिस वन. दिस इज़ वन स्टेपल पीस एवरी वन शुड हैव. ऐसे वाले चोकर्स होने ही चाहिए. देन मैं इसको डबल लेयर कर रही हूँ अगेन विद अ बोहो नेक पीस. आई लव दिस काइंड ऑफ बोहो नेक पीस. ये काफ़ी ट्रेंड कर रहे थे कुछ साल पहले, और इनके साथ आप ये बहुत वर्सटाइल पीसेज हैं, आप इनको वेस्टर्नाइज्ड वे में भी पहन सकते हो. और इसके साथ मैं पहन रही हूँ एक ओम वाले इयर रिंग्स. अगेन इसमें भी घुंघरू है, तो घुंघरू के साथ घुंघरू काफ़ी अच्छा मैच कर जाता है. तो स्पेशल बात यह है कि पेपर बैग जीन्स के साथ अगर आप कुर्ता पहनते हो ना तो काफ़ी सलवार जैसी फील आती है, बट येट मॉडर्नाइज्ड फील आती है. और बॉम्बर जैकेट अगेन कॉम्प्लीमेंट्स द जीन्स ऑल्सो. नाउ सर्दियों में आप ड्रेस एज इट इज़ पहनोगे, उसकी जगह आप जीन्स के साथ भी पहन सकते हो, स्पेशली ऐसे शेयर टाइप ऑफ ड्रेसेस. इसके साथ आप लॉन्ग कोट भी पहन सकते हो, थोड़ी सी फॉर्मल लुक भी हो जाएगी. और इसके साथ मैंने शेयर वाली ट्रांसपेरेंट वाली हील्स पहनी थी और एक चोकर लिया है और ऐसे वाले मिरर वाला ये सिल्वर रिंग है जो काफ़ी ऑथेंटिक है. और इसके साथ मैं थोड़ी सोफिस्टिकेटेड ज्वेलरी ही पहनना चाहती थी बिकॉज ऐसी टाइप की ड्रेस है जो इसके साथ सोफिस्टिकेटेड क्लासी टाइप ऑफ ज्वेलरी चलेगी. तो आप अगर डेंटी ज्वेलरी आपके पास तो आप वो टीम अप करो, वो ज़्यादा अच्छा लगेगी. बट मैं आपको ऑक्सीडाइज जंक ज्वेलरी के साथ भी टीम अप करके दिखाना चाहती थी कैसा लगता है एक आउटफिट अगर आप इंडियनाइज्ड ज्वेलरी को भी एक वेस्टर्नाइज्ड वे में पहनो. दिस इज़ माई सेकेंड फेवरेट आउटफिट. इसमें मैंने पहनी है अपनी मॉम की साड़ी जिसमें ब्लॉक प्रिंट है, और इसको मैंने पहना है एक ब्लैक कलर की स्वेट शर्ट के साथ जिसके ऊपर सीक्वेंस वर्क हो रखा है, तो वो काफ़ी ऐसा लगेगा जैसे ब्लाउज पहना हुआ है आपने, और कवर्ड भी लगेगा, अप्रोप्रिएट लगेगा फॉर द विंटर सीजन. इसके साथ मैं काफ़ी बड़ी बड़ी रिंग्स पहन रही हूँ क्योंकि विद अ साड़ी यू कैन गो आउट ऑफ योर जोन. एंड इसके साथ मैंने पहना है एक अफगानी ज्वेलरी का नेक पीस, अफगानी और अफगानी इयर रिंग्स भी. अफगानी इयर रिंग्स भी मैंने चंकी पहने हैं. सो एवरीथिंग कैन बी ओवर साइज्ड विद साड़ी क्योंकि साड़ी के साथ हर चीज़ कॉम्प्लीमेंट होती है. आई बिलीव कि साड़ी एक ऐसा पीस है जिसके साथ आप कुछ भी पहनो आप ब्यूटिफुली लगोगे. सो दिस इज़ माई लास्ट आउटफिट. आपको कैसे लगे मेरे सारे आउटफिट्स? क्या आपको आइडिया लगा कि जंक ज्वेलरी कहाँ से और कैसे खरीदनी है? और अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम पेज को नहीं फॉलो किया है तो जाके इंस्टाग्राम पेज फंकीनेस विद भावना को ज़रूर फॉलो करना. यू कैन आस्क मी एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन ओवर देयर. आई रियली आंसर बैक ऑन DMs ऑल्सो. तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई, और अगर पसंद आई है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो और लाइक का बटन ज़रूर दबाना, और कमेंट करके मुझे कुछ वीडियो आइडियाज़ दो जो आप देखना चाहते हो क्योंकि लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, कोरोना पीरियड चल रहा है, तो हॉल वीडियोस देखना चाहते हो, स्टाइलिंग वीडियोज़ देखना चाहते हो, ब्लॉग्स देखना चाहते हो, वो सब कमेंट करके ज़रूर बताना. सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.
Thank you.